हेलो दोस्त, कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक ही होगी। चलो, आज हम देखने वाले मैथ्स वन का लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस 1.2। ओके, चलो क्या है इसमें? क्या है तो ग्राफिकल मेथड है। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्राफिकल मेथड। जो भी इक्वेशन दिए हैं उसको हमें कैसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। कैसे निकालना है? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन ना, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा, कंपलसरी रहता है। 2 मार्क के लिए होगा तो जो अपना जो टेबल बनाना होता है वो 2 मार्क के लिए होगा। मे भी दोनों भी आते हैं, 2 मार्क के लिए टेबल भी बनाना आता है, 4 मार्क के लिए टेबल बना के ग्राफ भी निकालने को आता है। तो इस तरह दोनों भी पॉसिबिलिटी, 6 मार्क के लिए एक दूसरे आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लिए। तो चलो, सही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ाओ, जिससे जिससे हमारा 6 मार्क का प्रॉब्लम हो जाए। डोंट अच्छे से ही पढ़ाऊँगा आपको, ऐसे जिस भाषा में जैसे इजीली अंडरस्टैंड होगा उसी भाषा में उसी मेथड से पढ़ाऊँगा। चलो क्या करना है फिर? सॉल्व है ग्राफिकली। चलो एक फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। पहले तो गिवन इक्वेशन जो भी दिया है वो लिखो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को अगर हमें टेबल बनाना है, टेबल क्या बनाना है आपको? अगर ग्राफ निकालना है तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे ना, ये तो पता है आपको। तो उसी हिसाब से हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे निकालने, कौन से निकालने, तो उसके लिए भी रास्ता बताता हूँ। अभी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 के लिए हम क्या करेंगे? टेबल बनेंगे। कैसे बनाना है? ऐसे एक टेबल बनाओ। ओके, ऐसे 4 कॉलम बननी चाहिए। इधर आएगा एक्स, इधर आएगा वाई, इधर आएगा एक्स वाई। ओके, अभी क्या करना है सर? कैसे करना है? तो कुछ ऐसे जो ये एग्जांपल दिख रहे हैं ना, जिसके कोई पिछन नहीं होते या 1 2 3 ऐसा होता है, तो सीधा करने का, क्या करने का? डायरेक्टली एक्स की वैल्यू 0 1 2 बिंदा से लेने की। अगर इसके कोई पिछन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे तो नहीं लेने की, पर लेकिन वो उसके टाइम चेक कर लेंगे वो 6 या 5 का नंबर है, 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला एग्जाम्पल है, उस टाइम हम पढ़ेंगे। बोले लेकिन अभी तक जो सिंपल इक्वेशन है उसके लिए हम डायरेक्ट 0 1 2 लेंगे। चलो 0 1 2 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू 0 लिया, एक्स इज इक्वल टू क्या लिया? 0। तो इधर क्या करना है? इधर ऐसा करो, एक्स की वैल्यू हमने कंसिडर की ना, तो वाई की वैल्यू क्या करनी है? वाई की वैल्यू क्या आएगी? इसलिए ये प्लस एक्स उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो अभी खाली वाई की वैल्यू जब भी देनी है तो कैसे लोगे? एक्स की जगह खाली ये नंबर डालने, तो ये एक्स की जगह पहले 0 डालो, 6 माइनस 0। तो आपको पता है अगर 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, तो वाई की वैल्यू आई 6। चलो दूसरी वैल्यू ले लो, एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 6 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ओके, अभी x इज इक्वल टू 2 ले लो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4। आए ना 3 वैल्यू? कैसे किया सर? कुछ नहीं किया, जिसकी वैल्यू निकालनी होती ना हमें, उसके सराउंडिंग का जो वेरिएबल है जैसे यहाँ पे x है, इसको इज इक्वल टू को सेट में लेके जाओ, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अभी एक्स प्लस इधर जाके माइनस होगा, अभी वाई की वैल्यू निकालनी है तो इसकी जगह हमने जो कंसिडर की हुई वैल्यू है 0 1 2, इसमें से एक एक डाला करो, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 के लिए क्या है? 5, और 2 के लिए क्या है? 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 6 1 5 2 4। चलो एक इक्वेशन का टेबल हमने निकाला, अभी दूसरे का बनाना।
क्या करना है, सेम वही मैंने अभी बताया ना, x की वैल्यू y की वैल्यू x कॉमा y की वैल्यू। ओके अभी इसका क्या करना है, सेम कंसीडर x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, 0 1 2 0 1 2। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस x से उधर जाके माइनस x हो जाएगा, पर लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए हमें, इसको खाली y ही रखना है, तो ये माइनस साइन भी निकालेंगे, तो ये माइनस साइन इधर जाएगी माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस इधर माइनस का प्लस x हो जाएगा। कैसे सर, तो माइनस साइन अप्लाई की ना, तो जब भी हम कोई भी इक्वेशन को माइनस साइन अप्लाई करते ना तो माइनस होती तो प्लस हो जाती, प्लस होती तो माइनस हो जाती, इसी हिसाब से माइनस साइन अप्लाई की। चलो अभी क्या करेंगे, x की जगह ये 0 1 2 बारी बारी से डालेंगे। अभी x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 0। अभी 0 में कौन से भी नंबर में 0 डालो, माइनस करो, कुछ भी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस 4, तो ये आया माइनस 4। ओके नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 लिया, x इज इक्वल टू 1 लिया तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1। आपको पता है माइनस होगा प्लस होगा तो माइनस ही करना है, तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, पर लेकिन बिग नंबर साइन, तो बिग नंबर कौन सा है 4, उसको साइन कौन सी है माइनस, तो बचेगा 3, पर लेकिन कौन सा माइनस वाला। ओके हो गया दूसरा, अभी तीसरा x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे हम, क्या है y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2, फिर से वही गलत, 4 में से 2 जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस 1, और जब 1 माइनस 1 प्लस होता है तो सबट्रैक्शन करनी होती है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, पर लेकिन 4 को बड़ा नंबर है 4, और उसको माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी, तो हुआ ए माइनस 3 ए माइनस 2। इस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन के, 0 4 1 माइनस 3 एंड 2 माइनस 2। हुआ दोनों टेबल आ गए, कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, खाली क्या करना है, जिसकी वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू y के आसपास जो भी नंबर है वेरिएबल है उस सब इक्वल टू उस साइड में लेके जाओ। कैसे करना है वो पता है, प्लस होता माइनस होता है उस साइड में, इधर माइनस होगा तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है डिवीजन होता है, डिवीजन होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, इसी मेथड से हमको सबको लेके जाना है, और y खाली y इस साइड में रखना है, फिर खाली x की वैल्यू जो हमने कंसिडर की है उसको उसमें x की वैल्यू डाला करो, y की वैल्यू निकल जाएगी। हुआ अपना, अभी क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे, ये हुआ अपना y एक्सिस और ये हुआ अपना x एक्सिस। तो इस पे अगर अभी हमें कितने तक जाना है, 6 तक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर देखो क्या है 6 है, अभी इधर भी हमें 6 लेना पड़ेगा, इधर भी 6, इधर भी 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको पता है जो भी ग्राफ हम यूज़ करते हैं x एक्सिस होता है, जो उस x एक्सिस की राइट साइड पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, y एक्सिस वर्टिकली होता है, जिसका ऊपर का साइड पॉजिटिव होता है, नीचे का साइड नेगेटिव होता है, ये तो चीज़ आपको पता है, 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है हमने। तो चलो क्या करना है, अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स आए ना उधर मेंशन करने, कैसे करेंगे आसानी, पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 और 6, पहला जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो कौन सा होता है, x, तो x 0 लेना है, यानी x 0 मीन्स x का नंबर ही नहीं लेना, तो खाली y का लेना है, कौन सा है 6, तो 0 6, तो कौन ये चीज़ कौन सी, x 0 y 0 होते हैं, तो इधर से y 6 तक लेके जाना है, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारे यहाँ पे। ओके सेकेंड 1 एंड 5, तो इसका मतलब x लेना है 1, y लेना है 5, तो x का है 1
ओके यहाँ पे वो किधर तक लेके जाना है फाइव तक, तो कितना आएगा एक पॉइंट है। पहले ध्यान दे रखो मैं ग्राफ पे नहीं, ग्राफ पेपर पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ या ग्राफ निकाल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बल्कि आप जब ग्राफ पे निकालोगे ना तब आपका एक्यूरेट आ जाएगा। खाली ये जो कोऑर्डिनेट्स होते नंबर्स होते वो प्रॉपरली मेंशन करने होते, प्रॉपरली एक सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस लेना है वो ले सकते, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे स्केल लिखेंगे। स्केल क्या है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया 1 यूनिट्स, यूनिट्स यानी क्या ऐसे नंबर रैंडमली लिया ना, इसलिए ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स। आपके हिसाब से आपको जो पॉसिबल हो लगता है उसी हिसाब से स्केल लिखना है। स्केल ये बहुत स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको 1 मार्क देते हैं, अगर वो स्केल अच्छा होगा तभी ग्राफ चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वही मेंशन करता है कि आपने ग्राफ में क्या लिया है। चलो तीसरा पॉइंट कौन सा है, 2 और 4, 2 यानी x लेना है 2, y लेना है 4, तो कहाँ है 2 ये वाला सीधा कहाँ से जाएगा इधर तक। ओके चलो एक तीनों ही पॉइंट जो है एक लाइन में आ गए। ओके ये लाइन बनी हमारी कौन से इक्वेशन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो लाइन बनी कौन से इक्वेशन की एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 फर्स्ट लाइन बनी। अभी दूसरे इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है हमें, क्या है 0 माइनस 4, जीरो लेना है x को, जीरो लेना है x को, जीरो लेना है और y को माइनस 4 लेना है, तो कहाँ आएगा एक जीरो यानी इधर माइनस 4 किधर आएगा इधर, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। अभी दूसरा पॉइंट, x को लेना है 1, y को लेना है माइनस 3, तो 1 लेके कहाँ तक जाना है माइनस 3। ओके और थर्ड बनेगा 2, x को लेना है y को माइनस 2 लेना है, तो 2 से 2 यहाँ तक आएगा। ओके तो अगर हमें पॉइंट जोड़ दें थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं हाँ जो, क्योंकि आपको पता है मैं ग्राफ पेपर पे नहीं निकल रहा हूँ, मैं ग्राफ पेपर पे नहीं निकल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बार इधर उधर हो सकता है। तो अभी देखो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती बराबर ना, तो ये लाइन कौन से इक्वेशन के x माइनस y इज इक्वल टू 4, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती ना वही हमारा सॉल्यूशन है। तो क्या है वो, x का 5 है और y का 1 है, क्या है x का 5 है और y का 1, ये हमारे दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कैसे निकाले हमने बाय ग्राफिकल मेथड, कौन से मेथड से बाय ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाले है। ओके आपका ग्राफ पेपर पे आप निकालोगे ना इससे एकदम एग्जैक्ट होगा 5। मेरा तो आप या थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि जो मैंने मेजरमेंट लिया है या नंबर्स लिए वो अप्रोक्सीमेटली लिए, इसके हिसाब से वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ग्राफ पेपर पे आप निकालोगे तो आपका सही बनेगा। चलो समझ में आया क्या करा है हमने, पहले तो इक्वेशन लिया एक्स की वैल्यू हमने रैंडमली कंसिडर की 0 और 2, फिर वाई निकाला, फिर उसका इस्तेमाल करके एक्स का इस्तेमाल करके वाई की वैल्यू निकाली, दोनों टेबल बनाए, दोनों टेबल के दो इक्वेशन के दो टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिए, ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एंड वाई एक्सिस निकाला, उसके स्केल निकाले या लिखे, उसके बाद में दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके दो लाइन निकाली, उसको जोड़ दी, जोड़ने के बाद हमें एक कॉमन इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, दोनों लाइन जहाँ पे जुड़ गए वहाँ पे, तो उस वो जो कोऑर्डिनेट्स है कॉमन इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट, तो वही हमारा दिए गए इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन। तो लास्ट में लिखेंगे हम द सॉल्यूशन ऑफ
गिवन इक्वेशंस आर 5-1। वो हमारा कंप्लीट फॉर्मा का क्वेश्चन हो जाता है एक ही। समझ में आया? आसानी आसानी इजी कर सकते हैं हम। खाली ये चीज़ बन ये चीज़ समझ में आई ना आपको, तो वो चीज़ भी आपको समझेगी। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। जिस बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो कमेंट में डाल सकता है। ओके हुआ। चलो हम अभी आगे का सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है? ए। अभी आपको समझ में आया क्या करना है, तो आप खाली क्या करो, आप भी वहाँ पे ट्राई कर लो, मैं भी यहाँ पे ट्राई कर लूँगा। ट्राई तो नहीं कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। आप ट्राई करो, उसके बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं सॉल्व करूँगा ना, उस टाइम आप देख लेना और क्लियर कर लेना। ओके नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड वाला। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कैसे करना है? चलो खाली देखते रहो अभी। हाँ कि इतना तो अभी आपको तो पता है कैसे सॉल्व करना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा सेक्शन बनाएंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? मैंने बोला x की वैल्यू 0-1-2 कंसिडर करनी। अगर ऐसे इजी इक्वेशन रहेंगे तो y की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे फिर x प्लस से वहाँ पे जाएगा, क्या होगा x माइनस होगा, यानी 5-6। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे करो बाद में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाना हो तो माइनस वाई उधर लिख जाओ, ये 3 प्लस है यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके वही रीअरेंज करके लिख लो एक्स माइनस 3, ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके तो क्या करेंगे अभी टेबल निकालेंगे। टेबल कैसे निकालेंगे आपको पता है, 4 कॉलम करेंगे एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, इसका भी सेम करेंगे एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। और जो मैंने बताया वही सेम ट्रिक आपको करनी है, कौन सी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0-1-2 लेनी और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इधर ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो तुम आपके लिए। अगर लिखा नहीं लिखा तो भी चलता, बल्कि आपके आपको समझने के लिए लिखना जरूरी होता है या अच्छा होता है। तो क्या करेंगे अभी, वाई एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो वाई क्या होगा 5 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई क्या आ गया 5-0। तो 5-0 मैंने पहले ही बताया, 0 किस में डालो या किसी से रिमूव कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही होता है 5। जो भी नंबर होता है वही आंसर होता है। अभी क्या करेंगे, एक्स को एक्स की वैल्यू 1 लेंगे और वाई को निकालेंगे, तो वाई क्या आएगा 5-x यानी 1। तो 5 में से एक जाएगा बचेगा 4। और तीसरा है एक्स की वैल्यू लेनी है 2, वाई इज इक्वल टू 5-2 करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। आसानी के लिए यही, खाली कुछ नहीं करना, इसमें 0 डालना है, 5-0 5, 5-1 4, 5-2 3। इधर भी आ सकते हैं, इसका इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, खाली आपको एक समझने में आना चाहिए कि आप एक की वैल्यू निकाल के डाल के यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो 5-4-3 तो आएगा 5-0-5-1-4-2-3। इसको भी ऐसे करेंगे, पर मैं सॉल्व करके क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े नंबर होते हैं ना तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं उसमें डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके अभी एक्स की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ओके क्या कर रहे हैं हमने -x यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा तो एक्स प्लस हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, मैं नहीं सॉल्व कर सकते, देखो एक टेबल को वैसे ही करेंगे आपको पता चलेगा कैसे किया है। अभी एक्स की वैल्यू 0 पकड़ी हमने और वाई की वैल्यू निकाल ली, तो 0 यहाँ पे रखेंगे,
जीरो में से माइनस थ्री जाएगा, नहीं जाएगा। जीरो माइनस जीरो से कुछ भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन बचेगा माइनस थ्री। तो आंसर क्या आया, जीरो माइनस थ्री। तो अभी एक्स की जगह वन रखेंगे, वन माइनस थ्री, वन में से थ्री जाता है, नहीं जाता, थ्री में से वन जाता है, तो कितना बचता है टू। पर लेकिन थ्री तो बड़ा नंबर है, और थ्री को कौन से साइन है माइनस, तो माइनस टू। और यहाँ पे रखेंगे टू, टू माइनस थ्री माइनस वन, टू में से थ्री जाएगा या थ्री में से टू जाएगा, आपको पता है थ्री से, थ्री में से टू ही जाएगा, तो बचेगा वन। बल्कि थ्री को बड़ा साइन है, बड़ा नंबर है, उसको माइनस साइन है, तो हमें देनी पड़ेगी माइनस साइन वन को। अभी दूसरा भी कोऑर्डिनेट निकाला और तीसरा भी निकाला। चलो दोनों टेबल के कोऑर्डिनेट्स, छह कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। तो अभी क्या करेंगे, हम ग्राफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको निकाला हमने y और इसको निकाला x। ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस, और ये हुआ हमारा स्केल। क्या है, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कितना लेंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 मैक्सिमम कितना है, अरे 5 है ना, तो हमें 5 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5। तो 5 से ज़्यादा ही लेना होता है, उतना ध्यान में रखो। तो हम थोड़ा नीचे लेंगे, तो जिससे यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, दिख रहा है क्या, 5। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, कितना है 5। ये हुआ हमारा x एक्सिस, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। यहाँ पे भी सेम आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ओके, अब हमने ग्राफ निकाला, मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा है, निकाला है, आपको ग्राफ पेपर में करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, लाइन के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, लाइन निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे। अभी क्या है, पहले इक्वेशन के थ्री कोऑर्डिनेट्स कौन से, 0 5। जीरो आपको पता है ना, यहाँ पे 0 पे 0 होता है, तो 5 खाली वाई का लेना है। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, ओके। दूसरा पॉइंट आएगा 1 4, यानी x को 1, x का 1 कहाँ पे, इधर, और y का 4 किधर है, तो 1 से उधर जाना है, 4 4 4 4, यस मिल गया हमें, ओके। तीसरा पॉइंट 2 और 3, x का 2 लेना है, y का 3 लेना है, यानी 2 से हमें 3 तक जाना है। ये हुआ हमारा 3। तो ये हुआ हमारा, ये होगी हमारी लाइन, कौन से इक्वेशन की, x प्लस y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन की। ये हुआ, ये हुई हमारी पहली लाइन। अभी दूसरी लाइन क्या करनी है, x 0 माइनस 3, 0 यानी ये वाला और माइनस 3 यानी ये वाला, ओके। एक्स का लेना है 1 और 1 को कहाँ तक लेके जाना है, माइनस 2 तक। 1 से हमें कहाँ जाना है, माइनस 2 तक। और एक्स को लेना है 2 और वाई को लेना है माइनस 1, तो 2 से कहाँ जाना है हमें, माइनस 1, यानी ये होगा, ओके। तो हम चलते, चलो। तो चलने के बाद क्या आता है पता है, जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही ना, तो कहाँ कर रही है, हाँ कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है, ध्यान से देखो। देखो ना भाई, ये दिख रहा है 4, तो थोड़ा इधर आएगा,
क्या यार पेन तो स्लिप कर रहा है। देखो कहाँ वी टू ए दो लाइन इंटरसेक्ट टू ए, एक्स का आता है 4, वाई का आता है 1, तो क्या आएगा 4 1। तो कोऑर्डिनेट से भी लेंगे यानी हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितना आया 4 1। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर 4 1। ये हुआ हमारा 4 मार्क्स का कंप्लीट आंसर बाय ग्राफिकल मेथड। है कि नहीं आसान? है आसान है सर, उसमें क्या है, कुछ लग नहीं रहा अलग ही, कुछ वही चीज़ें, खाली हमें इक्वेशन चेंज होते उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे सर, बाकी कुछ नहीं लग रहा हमें। समझ में आया? ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हुआ, अब हम आगे का तीसरा लेंगे। कौन सा है तीसरा? चलो क्या है, एक्स प्लस वाई। चलो एक बात कर, चलो तीन तीसरा आप सॉल्व करो। चलो अगर नहीं जमा तो मैं हूँ, कमेंट्स में डाल सकते हो, बोल के तीसरा आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो तीसरा सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आया तो आप फोर्थ का आप रेफरेंस ले सकते हो। थोड़ा फोर्थ 3 से एक स्टेप बढ़ा है आगे का है, तो हम फोर्थ लेंगे डायरेक्टली। हाँ क्या लेंगे? डायरेक्टली फोर्थ लेंगे। तो चलो फोर्थ लेते हैं, 3x-y = 2, 2x-y = 3। ओके, तो ये सॉल्व करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, ये अभी मेहनत हमें बस उतना ही करना है, बाकी तो सब वही करने। अरे इधर तो चेंज करना पड़ा ही ना, इक्वेशन चेंज हुए ना। तो चलो क्या करेंगे अभी, इक्वेशन दिया है 3x-y = 2, दूसरा दिया है 2x-y = 3। थोड़ा अलग है, क्या अलग है? कुछ नहीं अलग, खाली वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है। कैसे? देखो अभी क्या करेंगे, माइनस वाई इधर जाएगा प्लस होगा, ये 2+ है इधर आएगा माइनस होगा, तो क्या आया 3x-2 = y। तो अभी क्या है, रीअरेंज करके लिखो 3x-2 हो गए। बस वाई की वैल्यू नहीं, वाई का इक्वेशन निकाला उसमें x की वैल्यू डालो, सॉल्व करो। अभी आप क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, 2x+3 यहाँ पे आएगा, -3 हो जाएगा, y माइनस ही वहाँ पे जाके प्लस होगा, और फाइनल क्या आएगा रीअरेंज करके 2x-3। आएगा आसान है ना? फिर y की वैल्यू निकालनी है हमें, या y के आसपास जो भी नंबर्स वेरिएबल्स है उस साइड में लेके जाने, यही अगर आपको समझ में आए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। ओके अभी यहाँ पे देखो 0 1 2 वही है, सिंपल है ना, तो इसलिए हमने 0 1 2 कर लिया। पर लेकिन अगर आपको 0 1 2 नहीं आ रहा तो आपको पता चलेगा, तो उस टाइम आप 3 4 ऐसे ले सकते हैं, वो बाद का नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको बताऊंगा। तो अभी क्या करना है, 0 लिया हमने, तो यहाँ पे 0 डाला, 3 × 0 0 होगा, -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। नहीं समझा? तो यहाँ पे देखो 3x-2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की जगह x की जगह 0 डालेंगे, और आपको पता है कौन से नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, 0-2, और कौन से भी नंबर को 0 मिला है या कुछ भी करे वही नंबर आता है, तो -2 आंसर होगा। उसी तरह x की जगह 1 डालेंगे, तो क्या होगा 3 1 3 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1।
अभी x में 2 डालेंगे तो 3 टू जा 6, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। अरे इधर ही कैलकुलेशन करो, इतना मेहनत क्यों करते हो, इधर ही कर सकते, खाली x की जगह अलग अलग नंबर डालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें से 2 माइनस करो जैसे अभी किया, तो क्या आया 0 माइनस 2 1 1 2 4 हो गया फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। अभी चलो सेकंड में जाएंगे। अभी देखो x की जगह क्या डालना है, 0, तो 2 इंटू 0 0, तो ये 0 वैल्यू ही उसका छोड़ दो, बच्चा को -3। ओके अभी x की जगह 1 डालो, x की जगह क्या डालना है 1, तो 2 1 जा 2, 2 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा बचेगा -1। अभी x की जगह 2 डालनी है, x की जगह 2 डालनी है, तो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 माइनस 3 1 माइनस 1 2 1, ये हुए हमारे दोनों इक्वेशन के 6 कोऑर्डिनेट्स। अभी हम वापिस सेम करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे जैसे पिछले एग्जांपल में की वैसे। पहला कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2, यानी नीचे आएंगे, ये हुआ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। सेकंड 1 1, एक्स भी 1 लेना है वाई भी 1 लेना है, चलो एक्स 1 कहाँ पे यहाँ पे, वाई 1 कहाँ पे यहाँ पे, तो पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे। तीसरा एक्स लेना है 2, वाई लेना है 4, यानी एक्स के 2 से 4 तक जाना है हमें, एक्स के 2 से 4 तक जाना है, बाप रे बहुत लंबी गए ना, और ये तो सेम ही रहेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट से ना, इसलिए तो हम क्या करेंगे इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। अभी ये देखो ऐसे जोड़ दिया, ये जो इक्वेशन हुआ, ये जो लाइन हुई, ये 3x - y = 2 इस इक्वेशन के। अभी दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, सॉरी दूसरे इक्वेशन की लाइन निकालेंगे, 0 माइनस 3, 0 से कहाँ तक आना है हमें, -3, ये हमारी -3। दूसरा लेना है 1 माइनस 2, कहाँ करना है 1 माइनस 2, 1 का पे x या पे, -2 का पे ये वाला। ओके अगर ग्राफ पेपर पे निकालोगे ना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया। तो -1 से -1 तक आए, और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है 2 1, यानी x का 2 लेना है, y का 1 लेना है, x का 2 यहाँ पे, y का 1 यहाँ पे, तो इस लाइन को भी जोड़ेंगे। अरे ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो दोनों तो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये -2 आया बराबर 0 माइनस 2, ए1 आया 3 1 3 3 करेक्ट, 2 लिया 3 2 6 -2 4 ये भी करेक्ट है, यहाँ पे 0 माइनस से आएगा करेक्ट है, इसका 1 आएगा इसका -1 आएगा ये भी करेक्ट है, इसका 2 आएगा इसका 1 आएगा, और में से 3 जाएगा 1 में जी, यस ये भी करेक्ट है। तो क्या करेंगे, ये भी जोड़ेंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे ना, और इसको ही ना ऐसे जोड़ेंगे, तो हे यहाँ पे, यानी ये तो गलत हो थोड़ा, अरे ये देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे, नीचे दोनों पॉइंट्स में इंटरसेक्ट में, नीचे इंटरसेक्ट करे, कहाँ इंटरसेक्ट करे, यहाँ पे, किसके एक्स वाई के कौन से नंबर के सामने -5, और एक्स के कौन से नंबर के सामने -1, तो ऐसे मीट कर रही हो, देखो कितनी अलग अलग रहे हमें, बस बराबर ना, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो -1 पर ही लेंगे, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट्स कौन सा है -1, और वाई का कोऑर्डिनेट्स कौन सा है -5। इस हिसाब से हमने क्या किया,
दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते या मिट करते उस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले तो कौन से आए -1 और -5। यही चीज़ आप अगर ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे ना बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि -1 और -5 करेक्ट एकदम परफेक्ट आते हैं। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर -1 -5। है कि नहीं आसान? चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे करेंगे अभी फिफ्थ वाला। क्या कौन सा लेंगे हम अभी? फिफ्थ वाला, इष्ट वाला नहीं रे, फिफ्थ वाला। इष्ट वाला लव, इष्ट वाला लव, फिफ्थ वाला लव, फिफ्थ वाला लव नहीं ना। अब आपने सर कुछ रोट तो जो लेना था वो भी रख कर दिया क्यों सर? बताएंगे, रुको, बताएंगे बताएंगे तुम्हें बताएंगे सब कुछ बताएंगे सब कुछ। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक बताएंगे। अभी फिफ्थ वाला लेंगे। चलो क्या है, 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0। फर्स्ट इक्वेशन लिखा है 3x - 4y = -7 और दूसरा है 5x - 2y = 0। अभी 0 और 2 नहीं लेना क्योंकि 0 और 2 ये x के कोऑर्डिनेट्स लेने से y का कोऑर्डिनेट्स आता नहीं। कैसे नहीं आता देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला है, वाई एक साइड में रखना है बाकी सब वैल्यू उधर लेके जानी। तो अभी देखो ये 7 माइनस यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा और -4y वहाँ पे जाएगा +4y हो जाएगा। उसको रीअरेंज करो, यहाँ पे आया 4y = 3x + 7। अभी मैंने क्या बोला, वाई को सिंगल रखना है, कोई पिशन भी उसके साथ में नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, y = 3x + 7/4। ओके, यहाँ पे सेम करो, 5x - 2y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। अभी 2y इधर लिखो, 5x उधर लिखो और ये 2y को मल्टीप्लाई हो तो उधर लेके जाओ। क्यों लेके जाना है समझ में आया ना? वही y की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए सब नंबर उसके अपोजिट साइड में जाने चाहिए। चलो हम यहाँ पे x की y की वैल्यू 0 लेके देखते हैं, 3 × 0 + 7/4, 3 × 0 = 0 + 7/4। अभी 7/4 0 में 7 मिला तो 7 ही आएगा ना। तो ये हुआ फ्रैक्शनल नंबर। क्या हुआ फ्रैक्शनल नंबर हुआ, तो हमें होल नंबर चाहिए, तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 ले नहीं सकते। समझ में आया? अभी क्या करेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, तो क्या बचेगा, 3 + 7 = 10। ये भी फ्रैक्शनल नंबर है, 1 भी ले नहीं सकते। चलो 2 लेके देखते हैं, 3 × 2 = 6, यहाँ पे आएगा 6, 6 + 7 हो जाएगा हमारा 13, 13 ये भी फ्रैक्शन नंबर हुआ, 2 भी नहीं ले सकते। अभी लेंगे 3, क्या लेंगे, 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 9 + 7 कितना होता है, 16। अभी देखो 4 × 4 = 16, आया ना होल नंबर, आया कि नहीं होल नंबर? तो इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी लेंगे, 3, तब y की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। अगर x की ऐसी वैल्यू ले लो जिससे y की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए, इसी हिसाब से हमको x लेना होता है। इसलिए मैं बोला जो सिंपल इक्वेशन होंगे उसके लिए 0, 1, 2 ले लो, बल्कि जो डिफरेंट या ऐसे क्रिटिकल एग्जांपल होंगे उसके लिए हमें एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा, एक एक। तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, खाली थोड़ा दिमाग लगाना है।
क्या दिमाग लग रहा है, देखो ये नीचे कौन है, फोर, तो ऊपर की जो नंबर होंगे ना, ऊपर का जो कैलकुलेशन होगा ना, वो फोर के टेबल में आने वाले नंबर में होना चाहिए। अभी थ्री हुआ, अभी फोर लेंगे, फोर थ्री था 12 में सेवन मिलाओ कितना होता है 19, फोर के टेबल में आता है क्या, नहीं, कैंसिल। अभी फाइव ले लो, फाइव एक्स की जगह लिया तो थ्री से मल्टीप्लाई करो, फाइव थ्री था 15, 15 में सेवन मिलाओ 22, फोर के टेबल में आता है क्या, नहीं, कैंसिल। फाइव से आगे जाओ मैं, अभी माइनस, जीरो से फाइव गए ना, अभी माइनस वन ले लो, यहाँ पे माइनस वन लेंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, कैसे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ले लो, बराबर, तो वाई इज इक्वल क्या आएगा, थ्री माइनस वन प्लस सेवन अपॉन फोर। अभी थ्री इंटू वन थ्री, वन माइनस, बट माइनस थ्री आएगा, प्लस सेवन अपॉन फोर। अभी सेवन में से थ्री जाएगा, बचेगा फोर, क्योंकि सेवन को बड़ा नंबर है और बड़े को प्लस साइन है, इसलिए प्लस साइन आएगा, तो फोर वन जा फोर आया ना, फोर नंबर है, तो एक्स की वैल्यू कौन सी ली हमने, माइनस वन, एंड वाई की वैल्यू कौन सी आई, वन। समझ में आया। अभी तीसरा, वो माइनस वन हुआ, माइनस टू लेके देखो, माइनस टू, थ्री माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स यानी सेवन में से सिक्स जाएगा, बचेगा वन, फोर के टेबल में वन आता नहीं। थ्री ले लो, माइनस नाइन, माइनस नाइन में से सेवन जाएगा, नहीं जाएगा, माइनस टू बचेगा, फोर के टेबल में माइनस टू एक है, नहीं छोड़ दो, माइनस फोर लेंगे, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व में से सेवन जाएगा, बचेगा फाइव, फाइव अपॉन फोर, फाइव फोर के टेबल में आता है कि नहीं, छोड़ दो। अभी फाइव ले लो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव ले लो, तो क्या आएगा, थ्री इंटू माइनस फाइव प्लस सेवन अपॉन फोर। अभी फाइव थ्री था 15, बट माइनस 15 प्लस सेवन अपॉन फोर। अभी माइनस 15 में से सेवन जाएगा, बचेगा माइनस एट अपॉन फोर, फोर के टेबल में टू एट आता है, यस, माइनस टू, क्या आया, माइनस टू। तो जब हम माइनस फाइव लेंगे तो आंसर आएगा माइनस टू, इसलिए इसी तरह हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, माइनस वन वन, माइनस फाइव माइनस टू। समझ में आया, आसान है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना, अगर इधर समझना तो कुछ दिक्कत नहीं होती। चलो कैसे समझेंगे, इधर एक्स को जीरो रखेंगे तो फाइव इंटू जीरो जीरो, और जीरो को किससे भी डिवाइड करो, उस आंसर क्या आएगा, जीरो, तो यानी एक्स लिया जीरो, वाई भी आता है जीरो, एक्स जीरो लेके वाई भी जीरो आता है, कैसे, देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो लेंगे, वाई इज इक्वल टू फाइव इंटू जीरो अपॉन टू, फाइव इंटू जीरो जीरो अपॉन टू, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर आएगा जीरो, आया कि नहीं। अभी वन लेंगे, फाइव वन जा फाइव, फाइव को, हाँ वही सेम करना है, ऊपर का आंसर जो होगा ना टू के टेबल में आना चाहिए। वन लिया, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू के टेबल में आता है कि नहीं, छोड़ो, टू ले लो, यहाँ पे टू ले लो, फाइव टू जा कितना होगा, टेन, टू के टेबल में टेन आता है, यस आता है ना, तो यहाँ पे होगा फाइव। थ्री ले लो, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, आता है कि नहीं, छोड़ दो। फोर ले लो, फाइव फोर जा ट्वेंटी, टू के टेबल में ट्वेंटी टेन पे नंबर पे आता है, तो मत लो। अभी इधर आके माइनस वन पे आ जाओ, तो फाइव माइनस वन माइनस फाइव टू के टेबल में नहीं आता। अभी टू ले लो, माइनस माइनस टू ले लो, तो आंसर आएगा माइनस टेन मीन्स माइनस फाइव। करते जिससे आपको समझ में आए, वाई अगर माइनस टू लेते, एक्स अगर माइनस टू लेते तो वाई कैसे आएगा, देखो फाइव इंटू माइनस टू अपॉन टू, तो फाइव टू ज़ा टेन, बट माइनस साइन है इसलिए माइनस टेन आएगा, तो टू वन ज़ा टू, टू माइनस टू फाइव ज़ा टेन, तो माइनस फाइव आए ना, इसी तरह करना है। समझ में आए। अभी सिक्स कोऑर्डिनेट्स निकले हमारे, तो चलो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, माइनस फाइव, फाइव तक है, तो फाइव तक रखने हमें, ओके, तो फाइव तक रखने, इसका मतलब वही करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, ओके, यहाँ पे आएगा हमारा वन टू माइनस वन,
माइनस थ्री माइनस फोर इस पर हम ले लेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, थ्री फोर, यानी एक्स लेना है थ्री, वाई लेना है फोर, यानी थ्री से फोर तक जाना है हमें। ये हुआ हमारा थ्री फोर तक जाना है, इसका मतलब यहाँ पे बैठे यहाँ पे जाएंगे। ओके नेक्स्ट है माइनस वन एक्स को लेना है प्लस वन वाई को लेना है। माइनस वन ये वाला प्लस ये वाला, माइनस फाइव माइनस टू, माइनस फाइव यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे। अरे बाप रे बहुत लंबा है तो मेरे को बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर लाइन मारने में। चलो आपके लिए मार देता हूँ, माइनस थ्री फोर है ना, सॉरी समझना यहाँ पे है। ओके एक लाइन का इक्वेशन हो गया, कौन से थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन। अभी क्या कर रहे हैं दूसरी लाइन कौन सी है, फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो का कोऑर्डिनेट्स ये, उसके हिसाब से हमें क्या करना है लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलो निकालेंगे जीरो जीरो कौन सा यहाँ पे आएगा, फर्स्ट पॉइंट का पे दोनों जीरो है ना, तो कोऑर्डिनेट्स सेंटर का आएगा। दूसरा एक्स को लेना है टू वाई को लेना है फाइव, एक्स को लेना है टू वाई को लेना है फाइव। बाप रे बहुत बड़ा है। और तीसरा माइनस टू लेना है माइनस फाइव लेना है, यानी ये वाला बहुत बहुत बड़ा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए वो भी कर लेंगे, बराबर नहीं करना ही पड़ेगा मेरे भाइयों के लिए बराबर ना। चलो ये हुए यहाँ पे मेरे बराबर ना। तो देखो x क्या है इसमें, सीधा आ जाओ क्या है वन, x क्या है वन, तो y क्या है, अरे बाप ये तो टू के ऊपर आता है थ्री के नीचे आता है, तो कंप्लीट हाफ में आता है। टू और थ्री के कंप्लीट हाफ में क्या होता है 2.5, ऐसा आता है सर। यस आ सकता है ना, अगर दो लाइन जहाँ पे मीट करेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट में हो तो क्या दिक्कत है। ग्राफ पेपर में आपको साफ 2.5 पे वो इंटरसेक्ट ओके दिखेगा। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 1 2.5। क्या हुआ 1 2.5। कभी कभी मैं यहाँ पे देखता हूँ आंसर क्लियर करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं वो चीज़, मेरे को खाली कंसेप्ट पता है कैसे सॉल्व करनी है, चलते जाएंगे। मेरी कोई हमें जो मेथड है वो पता है, उस मेथड से हम सॉल्व करते रहेंगे, आगे आंसर आएगा आएगा। खाली कि थोड़ा कन्फर्म करना जरूरी है भाई, हो अगर मैंने गलत लिखा तो आप भी गलत लिखोगे ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फर्म करना बनता है। ओके तो इसी तरह से हम बड़े से बड़े एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको चार मार्क के लिए आते हैं। ओके सो चलो अगर भाई आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो, या कुछ अड़चन हो कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स में क्या करो, अरे मैसेज करो। ओके समझ में आया ना। चलो लास्ट वाला लेते हैं आज का हम, कौन सा वाला है, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर, थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल टू फोर, ये वाला लेते हैं हम। इसका जो सेम है जीरो वन टू नहीं ले सकते, जो हमारा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4,
मैंने जैसे बताया वैसे करना है। क्या करना है हमें y की वैल्यू निकलनी, तो y एक साइड में रख के हमें पूरा कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से। या फिर 2x है, ये प्लस 4 है, यहाँ पे आएगा माइनस 4 बन जाएगा, ये माइनस 3y उधर जाके प्लस 3y होगा। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, सर इधर की साइड इधर लेंगे, इधर की साइड उधर लेके जाएंगे, तो 3y इज इक्वल टू 2x माइनस y। अभी y को सिंगल रखना है, इसका मतलब ये 3 को उधर डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 2x माइनस y अपॉन 3। हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकेंड इक्वेशन को वही करेंगे, माइनस x उधर लेके जाएंगे, क्या बचेगा 4 प्लस x लिखो या x प्लस 4 करो, दोनों सेम ही, 3y को मल्टीप्लाई तो उधर लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा वो, क्या होगा वो, डिवाइड। ओके, समझ में आए, समझे ना आई, बहुत असर बहुत कैसे हो गए ना, समझ में आए ना भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे 0 1 2 ले नहीं सकते क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रहा है, उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर वैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे देखो y इक्वल टू 2x माइनस y अपॉन 3, तो x की जगह अगर हम 0 डालेंगे, अरे यहाँ पे y कैसे आया, 4 है यहाँ पे, तो ये तो 4 है, 4 और 4, तो 0 में से 4 पहले लिख लेता हूँ मैं, 2 × 0 दैट इज 0 माइनस 4/3 माइनस 4/3, आपको पता है जब माइनस करें प्लस करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी टारगेट हमारा क्या है, दोनों इक्वेशन में देखो ऊपर का नंबर ऐसा आना चाहिए जो 3 के टेबल पे हो, वही हमारा कोऑर्डिनेट से, तो हम 1 लेंगे। अभी यहाँ पे क्या लेंगे, 1, 0 तो नहीं आया, अभी 1 लेंगे, 2 × 1 2 2 1 2, अभी 2 में से 4 जाएगा या 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, तो 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, छोड़ दो 1, अभी 2 ले लो, 2 × 4, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, तो 0 को 3 को डिवाइड करें तो 0 आंसर आएगा, तो हम x की जगह 2 लेके y की जगह क्या आ सकता है हमें, 0 चलेगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए, होल नंबर चाहिए, कौन सा भी होना चाहिए, माइनस इंटीजर होना चाहिए, 1 हो माइनस 1 हो प्लस 1 हो कुछ भी होने दो, होल नंबर चाहिए या माइनस भी चलेगा, इंटीजर नंबर वो भी चलेंगे। ओके, अभी 3 लेंगे, 3 × 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 टेबल 3 के टेबल में आता है कि नहीं, अभी 4 लेंगे, 4 × 8, 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4 3 के टेबल में आता है कि नहीं, अभी 5 लेंगे, 5 × 10, 10 में से 4 जाएगा, तो बचेगा 6, और 6 3 के टेबल में आता है ना भाई, तो x ले लो 5 और 6, 3 × 6, इसलिए 2 आएगा। कैसे आए, देखो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4/3, x की वैल्यू क्या ली हमने, 5, अभी 2 × 5 माइनस 4/3, तो 5 × 10 होता है, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, तो 3 × 3, 3 × 6, तो बचे कौन आया 2। अब 5 के आगे जानने, अभी रिवर्स आ जाए, माइनस 1 ले लो, माइनस 1 लेंगे तो माइनस 2 बचेगा, आएगा, चलो आएगा, कैसे आएगा देखो, x की वैल्यू लेंगे माइनस 1, y की वैल्यू आएगी 2 − 1 − 4/3, अभी 2 × 1 2 बट माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 और माइनस 4 माइनस माइनस की एडिशन हो जाती है, माइनस 6 हो जाएगा, और 6 3 के टेबल में आता है, तो बचा माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2, तो यहाँ पे आया 5 2, यहाँ पे आया माइनस 1 माइनस 2। समझ में आया, बहुत आसान है, खाली ना कि जजमेंट ही ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, बस बात खत्म। अभी यहाँ पे देखो x 0 लेंगे तो 4 में 4 में 0 मिलाओगे तो क्या होगा, 4 ही बचेगा, 3 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, छोड़ दो, अभी 1 ले लो, 4 + 1 5, 5 3 के टेबल में आता है कि नहीं, छोड़ दो, 3 के टेबल में क्यों सर, क्योंकि डिवाइड 3 ना, तो
डिवाइड थ्री से किसको डिवाइड हो सकता है, जो थ्री के टेबल में आएगा वही है ना, तो इसलिए हमें ऊपर का नंबर थ्री के टेबल में आने वाला चाहिए। तो अभी टू ले लो, फोर प्लस टू सिक्स, अरे आता है, तो इधर टू लेके थ्री टू जहाँ सिक्स, तो टू टू आएगा। अभी थ्री ले लो, फोर प्लस थ्री सेवन, थ्री के टेबल में आता है नहीं। फोर ले लो, फोर प्लस फोर एट, थ्री के टेबल में आता है नहीं। फाइव ले लो, फोर प्लस फाइव नाइन, आता है थ्री के टेबल में। तो एक सम लेते फाइव और इसका आंसर आएगा थ्री, नाइन आता है ना, थ्री थ्री जहाँ नाइन। नहीं समझे तो इधर सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। अभी माइनस वन लेंगे, हाँ अभी क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू फाइव लेंगे, तो क्या आएगा, फोर प्लस एक्स अपॉन थ्री, फोर की एक्स की वैल्यू फाइव लेंगे, तो फोर प्लस फाइव इक्वल टू नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, इस तरह थ्री आया। अब एक्स इक्वल टू माइनस वन लेंगे, तो क्या आएगा, फोर प्लस माइनस वन अपॉन थ्री, फोर में से फोर माइनस वन अपॉन थ्री, फोर में से उठ जाएगा बचेगा थ्री, थ्री वन जा थ्री, क्या है वन। तो एक्स की वैल्यू क्या ली हमने, माइनस वन, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी, प्लस वन, तो मिल गए ना हमें कोऑर्डिनेट्स, मिल गए सारे। चलो अब हमारा टारगेट कौन सा है, ये वाला ग्राफ पेपर निकालना। ओके, अरे ग्राफ निकालना, तो आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप अच्छे से करोगे पेपर, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल है, वो बोर्ड पे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, पर लेकिन क्या करें, आपके लिए करना पड़ेगा। चलो पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स कौन से, टू जीरो, अभी देखो हाँ टू कौन सा है, एक्स, वाई जीरो दिया है, तो एक्स के ऊपर टू वाला नंबर हमारा एक पॉइंट होगा। अभी पॉइंट किधर होगा, इधर, क्योंकि एक्स दिया है टू, वाई आया है जीरो, तो वाई के ऊपर कोऑर्डिनेट्स हो गए। दूसरा फाइव टू, क्या फाइव टू, एक्स कितना लेना है फाइव, और कब तक लेना है, वाई के टू तक, यानी ए वाला नंबर। ओके, और तीसरा लेना है माइनस वन माइनस टू, एक्स लेना है माइनस वन, वाई लेना है माइनस टू, यानी ए वाला नंबर। तो ये तीनों को हमें अभी जोड़ना है। तो चलो एक इक्वेशन क्या हो गए, अभी दूसरे इक्वेशन का टू टू, दोनों को टू लेना है, तो टू टू का आएगा ये वाला फाइव थ्री, दोनों भी फाइव थ्री लेंगे, फाइव यानी एक्स का फाइव और वाई का फाइव, और तीसरा है माइनस वन प्लस वन, एक्स लेना है माइनस वन, वाई लेना है प्लस वन। दिक्कत होगी, अभी दिक्कत होगी, फिर से ग्राफ निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करे बाहर, अगर आप ग्राफ पेपर पर निकालते ना तो वो आपको बहुत आसान हो जाएगा फिर। चलो हम यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके, यहाँ लिखेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन। अभी देखो सब जगह एक ही टाइप के लेने होते नंबर पर, लेकिन मेरे बोर्ड एंड बोर्ड के ऊपर में ज़्यादा ऐसा भर नहीं सकता, इसलिए थोड़ा कम कर रहा हूँ। हाँ माइनस टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, स्केल वही होगा अपना, ऑन एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट, ऑन वाई एक्सिस वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट। ओके, अभी देखो इससे करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, आपके लिए क्या है टू और जीरो, यानी टू यहाँ पे आएगा क्योंकि वाई जीरो है। दूसरा आएगा फाइव टू, ये लेना है फाइव, ये लेना है टू, तीसरा लेना है माइनस वन माइनस टू, माइनस वन एक्स का माइनस टू वाई का, तो ये हुआ हमारा
ही वन ही हो गया हमारे नहीं पहले वाले ओके दूसरा लेना है अभी टू टू यानी ही हुआ हमारा टू टू दूसरा फाइव थ्री फाइव थ्री और तीसरा है माइनस वन प्लस वन ही माइनस वन प्लस वन तो ही जोड़ो समझ लो हाँ दोस्तों टू जीरो यानी होगा फाइव टू यानी होगा ये वाला थोड़ा नीचे आता और माइनस वन ये तो हो गई अभी आ रहे हैं थोड़ा सा मिल रहा अगर ग्राफ पेपर होता ना आपको आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना आप ये कोऑर्डिनेट्स लिख के देखो आसानी से आ जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे बोर्ड पे होता है ना तो लाइन इधर की उधर हो सकती है और हमारे पास तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है हम आपके लिए चलो कोई दिक्कत नहीं होगी पर लेकिन ट्राई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखो जो दो लाइन है वो जो मीट कर रही है वो एक्स का एट होगा y का 4 होगा तो इसका मतलब ये होता है 8 4 तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वेशंस आर 8 4 ये हुआ हमारा एक क्रिटिकल एग्जांपल है यानी बहुत डिफिकल्ट है तो आप अच्छे से करोगे तो 4 मार्क लिए आपको पूछा जा सकता है इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से थोड़ा आराम से ध्यान दो ये गलत होने की बात नहीं कुछ संभावना नहीं होती खाली आप क्या करो एक चीज़ है ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपके बराबर आएंगे ना तो ये ग्राफ पेपर पे आप करोगे ना एग्जैक्टली आएगा आपको 8 और 4 मेरे कैसे बोर्ड के ऊपर थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है इसलिए वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है या मेरे को कुछ इरेज करके कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है लेकिन आपको अगर आप ग्राफ पेपर पे निकालोगे ना आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आपका डायरेक्टली आंसर आएगा 4 8 और 4 और वहीं पे वो दोनों लाइन मीट करेंगे ओके समझ में तो इस तरह हमने प्रैक्टिस 1 1 2 का पूरा कर लिया 6 के 6 एग्जाम्पल में से खाली थर्ड वाला आपको सॉल्व करने के लिए दिया क्योंकि वो आसान था और वो जो डब्डे होती वो भरती जा रही थी तो उसके हिसाब से आप थर्ड वाला सॉल्व करो अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर भी कर सकते हो मैं फिर भी आपके लिए थर्ड सॉल्व करके दूंगा बल्कि शायद इतना डिफिकल्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो थर्ड आपके लिए आसान हो चुका होगा तो चलो दोस्तों थैंक यू।